हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की बड़ी कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने भारत बंद किया। राजधानी जयपुर में बंद को सफल बनाने के लिए खुद सचिन पायलट, सीपी जोशी, अविनाश पांडे, रामेश्वर डूडी और मोहन प्रकाश सड़कों पर उतरे। कांग्रेस ने दावा किया कि भारत बंद के प्रेशर के चलते राज्य सरकार को वोट घटाना पड़ा। कांग्रेस ने अब पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग शुरू कर दी है। वीओ चुनाव नजदीक है, लिहाजा कांग्रेस ने आम जन से सीधे जुड़े महंगाई के मसले को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दामों को लेकर आज कांग्रेस ने भारत बंद का आह्वान किया था। राजधानी जयपुर में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। सुबह 9 बजे से ही कांग्रेस नेता टोलियों के रूप में मार्केट में निकल पड़े और बाजार बंद कराने लगे। जो नेता जिस विधानसभा का था उसने उसी क्षेत्र में बंद में हिस्सा लिया। बाद में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बंद का मोर्चा संभाल लिया। यहां तक कि पीसीसी चीफ सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे, सीपी जोशी, मोहन प्रकाश और नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी सड़कों पर उतर पड़े। चारों नेताओं ने एमआई रोड पर मार्च पास्ट भी किया। पायलट ने कहा, भारत बंद को मिले अपार समर्थन के चलते राज्य सरकार को झुकना पड़ा और पेट्रोल डीजल पर वैट कम करना पड़ा। जहां तक बंद की बात है तो इसका मुलाजुला असर देखने को मिला। चार दीवारी के भीतर के मार्केट में बंद का असर जरूर देखा गया, वहीं बाहरी इलाकों में बंद कह सकते हैं बेअसर रहा। हालांकि बंद के दौरान कोई जोर जबरदस्ती की घटना भी सामने नहीं आई। त्रिपोलिया मार्केट में जरूर एक बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं और दुकानदारों में बहस हो गई थी। वहीं सीपी जोशी और अविनाश पांडे ने महंगाई के लिए भाजपा के गलत आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। सीपी ने कहा कि भाजपा का ध्यान तो सिर्फ सत्ता हासिल करने पर है। चार राज्यों में चुनाव है और अगले साल लोकसभा चुनाव, ऐसे में कांग्रेस को पता है कि महंगाई के मसले पर जितना आक्रामक होकर भाजपा सरकार को घेरेंगे उतना ही जनमानस का साथ मिलता जाएगा। लिहाजा मुद्दे को तूल देने और उसे लपकने से भला कांग्रेस चुनावी मौसम में क्यों पीछे हटेगी। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।